इटा में भी न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। पत्नी को कंधे पर लादकर ओपीडी ले जाने का मामला था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस मामले पर संज्ञान लिया। लापरवाह कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों से जाना है हालचाल। सीएमएस को कड़ी कार्रवाई के फिलहाल आदेश भी दिए गए। एटा मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर को भी प्रमुखता के साथ न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने दिखाया था और जैसे ही खबर चली तो खबर का असर भी देखने को मिला। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर जो है ये शर्मनाक तस्वीरें सामने आई थी। यहां पर जैसे ही खबर न्यूज स्टेट न्यूज नेशन पर चली, वैसे ही जो प्राचार्य हैं रजनी पटेल जी, वो यहां पर आ चुकी हैं मेडिकल कॉलेज में और पूरे मामले को लेकर के बिल्कुल पूरा मामला संज्ञान ले लिया है उन्होंने और उसी पर अपने अधीनस्थों से बात कर रही है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे आई। देखिए कितनी व्यवस्था है यहाँ पर। इससे चलो कि मैं दिखाऊं तो अभी 5 स्टेशन यहाँ से अभी अलग अलग मरीजों के साथ में भी गई है। लगभग 7-8 स्टेटर मौजूद थी मौके पर, उसके बावजूद भी इन लापरवाह कुछ कर्मचारियों की वजह से ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेरे साथ में प्राचार्य हैं रजनी पटेल जी, एटा मेडिकल कॉलेज की, उनसे बात करते हैं आखिरकार कैसे ये लापरवाही सामने आई, कैसे क्या हुआ। ये अभी मैंने इस बात का संज्ञान लिया है और पूरी गहनता से मैं इसकी जांच कराऊंगी। अगर इस तरह की कोई भी लापरवाही होती है तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी। बल्कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर भी हैं, व्हीलचेयर भी हैं और आने वाले और सभी मरीजों के लिए ये लोग लेके भी जाते हैं, लेकिन कहाँ पे चूक हुई इसकी मैं जानकारी पूरी गहनता से। इस तरह की लापरवाहियां क्यों आ रही है, मतलब इतना सारी सब्जी व्यवस्थाएं हैं उसके बाद क्या कर्मचारियों की वजह से ये कहीं ना कहीं चूक तो है, चाहे कर्मचारियों की कह लीजिए या किसी स्टाफ की कह लीजिए, चूक की बात है जो कि ये समस्या आई है। लेकिन इसकी मैं पूरी गहनता से जांच कर और सारी समस्याओं को कोशिश करूंगी कि सुलझाऊं। और आखिरकार ये लापरवाही कैसा है इसकी पूरे मामले की जांच की जा रही है और न्यूज नेशन की खबर का पूरा संज्ञान लिया गया है, उस पर कार्रवाई की बात कर रही है। एटा में भी न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। पत्नी को कंधे पर लादकर ओपीडी ले जाने का मामला था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस मामले पर संज्ञान लिया। लापरवाह कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों से जाना है हालचाल। सीएमएस को कड़ी कार्रवाई के फिलहाल आदेश भी दिए गए। एटा मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर को भी प्रमुखता के साथ न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने दिखाया था और जैसे ही खबर चली तो खबर का असर भी देखने को मिला। देखिए ये वही मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर जो है ये शर्मनाक तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ पर जैसे ही खबर न्यूज स्टेट न्यूज नेशन पर चली, वैसे ही जो प्राचार्य हैं रजनी पटेल जी, वो यहाँ पर आ चुकी हैं मेडिकल कॉलेज में और पूरे मामले को लेकर के बिल्कुल पूरा मामला संज्ञान ले लिया है उन्होंने और उसी पर अपने अधीनस्थों से बात कर रही है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे आई। देखिए कितनी व्यवस्था है यहाँ पर। इससे चलो कि मैं दिखाऊं तो अभी 5 स्टेशन यहाँ से अभी अलग अलग मरीजों के साथ में भी गई है। लगभग 7-8 स्ट्रेचर मौजूद थी मौके पर, उसके बावजूद भी इन लापरवाह कुछ कर्मचारियों की वजह से ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेरे साथ में प्राचार्य हैं रजनी पटेल जी, एटा मेडिकल कॉलेज की, उनसे बात करते हैं आखिरकार कैसे ये लापरवाही सामने आई, कैसे क्या हुआ। ये अभी मैंने इस बात का संज्ञान लिया है और पूरी गहनता से मैं इसकी जांच कराऊंगी। अगर इस तरह की कोई भी लापरवाही होती है तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी। बल्कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर भी हैं, व्हीलचेयर भी हैं और आने वाले और सभी मरीजों के लिए ये लोग लेके भी जाते हैं, लेकिन कहाँ पे चूक हुई इसकी मैं जानकारी पूरी गहनता से। इस तरह की लापरवाहियां क्यों आ रही है, मतलब इतना सारी सब्जी व्यवस्थाएं हैं उसके बाद क्या कर्मचारियों की वजह से ये कहीं ना कहीं चूक तो है, चाहे कर्मचारियों की कह लीजिए या किसी स्टाफ की कह लीजिए, चूक की बात है जो कि ये समस्या आई है। लेकिन इसकी मैं पूरी गहनता से जांच कर और सारी समस्याओं को कोशिश करूंगी कि सुलझाऊं। और आखिरकार ये लापरवाही कैसा है इसकी पूरे मामले की जांच की जा रही है और न्यूज नेशन की खबर का पूरा संज्ञान लिया गया है, उस पर कार्रवाई की बात कर रही है।